तो टाइप्स ऑफ मसल हमने पढ़े जो बोन्स के साथ अटैच होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्केलेटन। और जो हमारी टंग में या हमारे स्टमक में होते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल। और जो हमारे हार्ट में पाए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एज स्टार्टिंग। सारे मसल्स का एक ही काम होता है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ओके, सब मसल्स जो है, कृतिका यू आर इन डिमांड। नहीं नहीं इट्स ओके, आप डिमांड में आज। नहीं तो पीछे बैठ जाओ, पीछे सीट है अक्षता के साथ, दोस्त के साथ। कृतिका तो कोई बात नहीं, उसके साथ बैठ। तो टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो अभी हम बात कर रहे थे, जो लोअर ऑर्गेनिज्म मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, दे शो अमीबॉइड मूवमेंट। तो अमीबा, अगर आप लोगों को याद हो, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा? माइकोप्लाज्मा। दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया आल्सो। तो माइकोप्लाज्मा व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कैन चेंज देयर शेप बिकॉज दे मूव विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। दूसरा हमने पढ़ा था सीलियरी मूवमेंट। सीलिया मूवमेंट कौन शो करता है? पैरानीशियम। फिर हमने पढ़ा था फ्लेजुलर मूवमेंट। फ्लेजुला कौन शो करता है मूवमेंट? बैक्टीरियस। और फिर लास्ट में हमारी मूवमेंट आती है विच इज मस्कुलर। मसल्स के थ्रू हम मूव करते हैं। अगर आप मसल्स की बात करो, मुझे पहले प्लीज सुन लेना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये अपने आप नहीं कर पाओगे। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू कि ये जो चैप्टर्स हैं, निधि, रवनी, प्रियश्री, क्लियर है बेटे? बच्चे मसल्स की बात करें तो मसल्स, अगर आपका पीस मसल का निकालते हैं, इनफैक्ट कई स्टोरीज भी बनी हुई है। मसल्स कहते हैं कि मांस जो है, हम लोग जानवरों का मांस खाते हैं, कई लोग अपने अपने ही स्पीशीज को खा लेते हैं। किसी ने कभी सुना? अब कई ट्राइबल्स, कैनिबल्स, किसने बोला कैनिबल्स? कैनिबल्स किसने बोला? रोहित कुमार ने। हाँ, तो लायंस, लायंस, टाइगर्स अपनी स्पीशीज को खाते हैं, स्नेक्स खाते हैं। कैनिबल्स में इनफैक्ट देयर आर सर्टेन ट्राइब्स इन ह्यूमंस आल्सो। बच्चे इधर सुनो किरत, कुछ एनिमल्स, ह्यूमंस की भी ऐसी ट्राइब्स हैं। अगर आपने कभी मूवीज में देखा हो कि वहां जाते हो आप लोग जंगल में, वो आपको बहुत खिलाते हैं पिलाते हैं, फिर आपको ही रोस्ट करते हैं। ये देखा है ना मूवी में? एक्चुअली नहीं है, साउथ अफ्रीका में काफी जो काफी ट्राइबल पीपल हैं, दे आर कैनिबल्स। वो बाहर के ह्यूमन अगर कोई आ रहा है उनके टेरिटरी में तो वो उसको खा लेंगे, एंड इट इज द फैक्ट। इनफैक्ट कई ट्राइबल पीपल हैं जो अपने खुद के बच्चों को खाते हैं, छोटे बच्चों को। कहते हैं कि बच्चों जो सॉफ्ट होते हैं और हड्डियां भी ज्यादा होती हैं, आपने पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि बच्चों की सॉफ्ट स्किन होती है, बट एक्चुअली इट इज नॉट गुड। बट अगर आप एनिमल्स खा रहे हो तो वो भी मसल्स के बने। अगर हम बात करें मसल या मांस, आपने देखा है मसल को जनरली, अगर आप फिशेस की बात करो तो फिशेस के केस में कहते हैं प्रोटीन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इनफैक्ट कई लोग जो है फिशेस की आईज खाते हैं, किसको पता है? इनफैक्ट दिमाग खाते हैं कई, उसका सिर खाते हैं जो, इवन कहते हैं जो, इनफैक्ट अगर आपको बताओ बंगालीज जो हैं वो ज्यादा फिश खाते हैं। दे आर मोर इंटेलिजेंट, दे आर ब्यूटिफुल आईज, दे आर ब्यूटिफुल हेयर। यार हमने बात हमने पहले की थी सुमना का है, तो सुमना को आप देख सकते हो, शी इज ब्यूटिफुल। तो वैसे ही सुमना के बाल दिखाना जरा, अब आप शुरू से यही रह रहे हो। हाँ तो अब ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन मम्मा के बाल बहुत सुंदर होंगे, पापा के नहीं है? ओके हाँ, शुरू से इधर रह रहे हैं इसलिए ग्रैंड पेरेंट्स के अच्छे होंगे जो वहां रहते हैं, है ना? आईज तो आपकी बहुत सुंदर। तो बच्चे ये फैक्ट है कि अगर आप प्रोटीन रिच डाइट खाते हो, इनफैक्ट अगर हम इंडिया में बात करें, ज्यादातर कोस्टल एरियाज हैं, अगर आप इंडिया को बनाते हो तो आसपास समुद्र ही, तो मैक्सिमम जो लोग हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन फिशरी। तो फिश कल्चर में अगर आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, एक होती है कंपोजिट फिश कल्चर, कंपोजिट में आपको पता है मिक्स कल्चरिंग कर रहे हैं, या फिर आप फिश कल्चर करते हो या कैप्चर करते हो। तो मैक्सिमम पार्ट ऑफ पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फिशेस। स्टेपल फूड ही वहाँ का फिश है या फिर राइस है, वहां पे कुछ और प्लांट लगा ही नहीं सकते। तो मांस, जब मसल्स आप खाते हो बॉडी में तो आप प्रोटीन खा रहे हो, एंड प्रोटीन इज वेरी गुड फॉर योर बॉडी, क्योंकि प्रोटीन जब आप खा रहे हो आपके मसल्स ही प्रोटीन के बने। बहुत सारे बच्चे ये बात करते हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो हम लोग वो वे प्रोटीन लेते हैं, सुना है किसी ने? वे प्रोटीन के बड़े बड़े डब्बे होते हैं, शेक प्रोटीन शेक,
चाहे आप, कई लोग तो ऐसे होते हैं कुछ भी नहीं वेट करना, बट वे प्रोटीन पकड़ा हुआ है डब्बे और वो शेक। गौरव ओके, कभी कभी गौरव भी ट्राई करता है वो शेक पीने की। नहीं, कल को अगर गौरव मॉडलिंग करेगा तो गौरव, तो उसमें अभी तो ध्यान दो गौरव बच्चे, इसमें या तो ये होता है कि बॉडी को बिल्ड करना है, मास बढ़ाना है, या फिर बॉडी में मास को खत्म करना है। तो ये दो तरह के होते हैं, आपने सुना होगा वेट गेनर्स चाहिए या वेट को आपने कम करना है। एक्चुअली वी आर वर्किंग ऑन मसल्स, ये बड़े दिमाग की चीज है कि मसल जब बने हुए प्रोटीन के तो हमें खाना ही प्रोटीन है। इनफैक्ट अगर पता हो एग वाइट जो है दैट इज बेसिकली अ प्रोटीन, तो एग योक जो है दैट इज बेसिकली अ फैट, टोटल फैट, फुल फुल फैट है। और अगर आप व्हाइट पार्ट खाते हो दैट मीन्स यू आर टेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन में आप चाहे खा लो टोफू पनीर खा लो, चाहे फिश खा लो, ये सारे मसल्स को आपको इंक्रीज करेंगे, दे विल वर्क ऑन योर मसल, एक्चुअली दे विल मेक प्रोटीन। और मैंने आपको शायद याद होगा तनीषा कहाँ है, तनीषा के एब्स याद है, हमने पढ़ा था कि अगर आप लोग इनफैक्ट ये मसल्स जो है एब्स में, पेट के अंदर हड्डी नहीं है तो मसल्स है, तो मसल्स पे जब आप वर्क करोगे तो आपके मसल्स प्रोमिनेंट होंगे। आपका जो फैट है, फैट इज डिपॉजिट अंडर योर स्किन, याद है मैंने बताया था फैट इंसुलेटर है, सिर्फ आपकी स्किन के नीचे फैट डिपॉजिट होती है, तो चमड़ी बढ़ेगी। अगर आपने चमड़ी फैट ही जीरो कर दी तो स्किन बिल्कुल थिन हो जाती है, बिल्कुल एक सिंगल लेयर, और आपको दिखने क्या शुरू हो जाते हैं, मसल्स। अब मसल की बात करें तो मसल दो तरह के मसल हैं, बड़े ध्यान से सुनते रहना। मसल्स जो होते हैं देयर आर टू टाइप्स, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन एंड मायोसिन जो मसल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और मसल जो है इनकी, अगर मैं आपको एक सिंगल थ्रेड, मैं कह रही हूँ कि आपका मसल, मैंने सपोज किसी का यहाँ से बाइसेप या ट्राइसेप निकाला और मैंने उसका एक, और मैंने इनफैक्ट देखा है ना कितने बड़े बड़े वो बन जाते हैं बंडल से, क्या किसको अच्छे लगते हैं ये मसल्स, ऐसे बहुत अच्छी बॉडी, यस मुझे ऑब्वियसली किसी ने इतनी मेहनत की है तो यू शुड अप्रिशिएट, बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये पंप करने के लिए, पता है ना ये, तो बहुत मेहनत है और अप्रिशिएट दैट कि उस बंदे ने मेहनत की है। जरूरी नहीं है कि हम वो लोग लड़कियों को इम्प्रेस कर रहे हैं, वो अपने लिए भी कर रहे हैं। तो वो डिफरेंट नहीं, कई लोग क्या कर रहे हैं जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी बॉडी को ट्रेन कर रहे हैं। एथलीट्स में बच्चे श्रेड चाहिए बॉडी, एथलेटिक्स में आपको एजिलिटी, एजिलिटी मीन्स मूवमेंट ज्यादा चाहिए, जैसे आप एथलेटिक्स में हो। हाँ डिफरेंट डिफरेंट है, अगर आप बॉडी बिल्डिंग पे यू वर्किंग ऑन डिफरेंट एरियाज, कईयों को चाहिए होते हैं कि अपने मसल ऐसे चलना, कईयों को चलता है कि अपने थाइस को दिखाना, कई कहते हैं अपने सिर्फ एब्स पे, तो यू वर्किंग ऑन डिफरेंट एरिया, और वो उस पर फिर वो काम एक्सरसाइज करते हैं, लोड देते हैं, और फिर वो उतना खाना खाते हैं, तो दे आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड। अब बच्चे जब हम बात कर रहे हैं मसल की, तो मैंने अभी बताया आपको एक मसल का पीस मैंने निकाला, तो यू विल फाइंड अ थ्रेड, बहुत सारे धागे मिलेंगे आपको, एक धागे को हम बोलेंगे सार्कोमियर, एक सिंगल थ्रेड, फंक्शनलिटी ऑफ योर मस्कुलर सिस्टम इज सार्कोमियर, बहुत सारे सार्कोमियर्स का बंडल आ जाता है, जैसे वो बेरी का बंडल देखा है, अब वो जो वैसे ही सार्कोमियर्स का सबने देखा हुआ है ना, तो सार्कोमियर का बंडल आता है, बड़े ध्यान से सुनना, एक सिंगल थ्रेड को हमने क्या बोला, सार्कोमियर, बहुत सारे सार्कोमियर्स को जब हमने कंपाइल किया तो वो बंडल बन गया। तो ऐसे आपके यहाँ पे बंडल्स हैं मसल्स के, और मसल के जो बंडल हैं दे ट्राई टू ओवरलैप ईच अदर, अलग अलग तरह से, हर एंगल से आप अलग अलग तरह से वो अटैच्ड है कुछ भी। तो इस तरह से आप लोगों के यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन मसल्स हैं सार्कोमियर, एंड दे आर फॉर्मिंग अ बंडल। अब वो बंडल एक लेयर में पड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सार्कोलेमा कवर्स अ बंडल, और एक बंडल में एक यूनिट को क्या बोला आपने, सार्कोमियर, और सार्कोमियर किसका बना हुआ है, एक्टिन एंड मायोसिन, किसको ये कहानी समझ। अब अगर आप एक यूनिट की बात कर रहे हो सार्कोमियर विच इज योर फंक्शनल यूनिट, तो उसमें कुछ बैंड्स आते हैं, जब आप कंट्रैक्ट होते हैं फुली कंट्रैक्टेड मसल, फुली रिलैक्स मसल। अब कंट्रैक्टेड मसल में जैसे आपने कुछ वेट उठाना है, आपकी बॉडी को पहले ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप सोचो कि मैं अपनी बॉडी से डबल वेट एक ही दिन में उठा लूं, क्या पॉसिबल है, बट कई बॉडी बिल्डर्स दे ट्रेन देयर बॉडी, मैंने देखा है, मैंने इनफैक्ट कई लोगों को फॉलो भी किया है ऑनलाइन, तो उसमें आप बिलीव नहीं, वो लोग क्या करते हैं, वो पहले वो ब्रेन को ट्रेन करते हैं कि मैंने अपने से डबल वेट को या अपने से बराबर के वेट को, बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आपकी बैकबोन पे स्ट्रेन आता है,
और कई लोग ऐसे कोशिश करते हैं कि उसने उठाया है, अंशुमन ने उठाया है, आज मुझे जोश आया है कि अंशुमन जैसा वेट उठाना है। तो अगर आप इमीडिएटली उठाते हो तो बैकबोन खराब हो जाती है, पता है किसी ने देखी है वीडियोस में, और इनफैक्ट कई बार आप प्यूक कर देते हो, कई बार आपके जो रिब्स में या कहीं पे क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो आप लोगों को बड़ा मुश्किल से अपनी मसल्स को ट्रेन करना पड़ता है, पहले बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, और अब ये जब आप ट्रेनिंग करते हो दिस इज कॉल्ड एज आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग। आइसोमेट्रिक मतलब यूर मेंटेनिंग योर मसल्स, आइसो मतलब सिमिलर मसल, मतलब थोड़े थोड़े पैट्स पे उनको ट्रेन कर रहे हो। नाउ ओपन योर बुक फॉर पेज नंबर 306। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, रुकिएगा इसमें देखो बच्चे, 306 पेज पे आपके पास बना हुआ है। अभी हमने पढ़ा, बॉयज प्लीज लिसन, इसमें अगर आपने दो पार्ट देखे हैं, गौरव हंसते हंसते देखो बच्चे, दो एक्टिन एंड मायोसिन। तो एक्टिन एंड मायोसिन ये दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अगर आपने ध्यान दिया हो, जो एक्टिन है वो एक्टिन में दो बीडेड चेन है, जैसे माला एक ऐसे लग रहा है, एक बीडेड चेन है और उसके बीच में एक धागा है, दिख रहा है सभी को? तो अगर आप उसमें देखो तो ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन मिला सभी को, और बीच बीच में जो है वो ट्रोपोनिन पड़े हुए हैं, ट्रोपोमायोसिन है, और कहीं कहीं आपके पास एफेक्टिन, वो जो चेन है वो एफेक्टिन है, चेन देखो वो किसकी बनी हुई है, एफेक्टिन, उसके बीच में जो धागा बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, ट्रोपोमायोसिन, और बीच बीच में जो फूल से बने हुए दे आर कॉल्ड एज ट्रोपोनिन, दिस इज योर एक्टिन। दूसरा पार्ट कौन सा आता है, मायोसिन। मायोसिन में ऐसे लगता है कि जैसे दो सांप है, ये ऐसे क्रॉस आर्म किए हुए, तो दो दो जैसे थ्रेड्स हैं आपस में लिपटे हुए, दे आर कॉल्ड एज क्रॉस आर्म्स, और उसके ऊपर हेड में आपको दिख रहे हैं एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपी बाइंडिंग साइट। तो ये दो स्ट्रक्चर है, आई एम रिपीटिंग दी स्ट्रक्चर, जिसको ये स्ट्रक्चर समझ आ गए अपने आप नेक्स्ट स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम दोबारा सुनना आप, वंश देखो पहले दिया हुआ है बीडेड चेन, बीडेड चेन में क्या बोला गया, वो बीच को क्या नाम दे दिया, एफेक्टिन, और उसमें जो धागा है तो उसको बोल दिया ट्रोपोमायोसिन, और बीच बीच में जो बीड्स हैं छोटे बीड्स हैं उनको बोल दिया ट्रोपोनिन। ये तीनों नाम सबको लर्न हो गए, तो रेज योर हैंड, एफेक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। दूसरा आ रहा है वंशिका, मायोसिन का स्ट्रक्चर, उसमें आप देख रहे हो दो क्रॉस आर्म है, क्रॉस आर्म में दो पार्ट्स बने हुए हैं, एक आता है एटीपी बाइंडिंग साइट और दूसरा क्या आता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। यहाँ तो क्लियर है सभी को? तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपके पास आ गए, ऊपर वाला एक्टिन है, दूसरे वाला मायोसिन। तो आप इमेजिन करो जो हमने धागे बनाए थे सार्कोमियर, उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, एक्टिन एंड मायोसिन। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर? नेक्स्ट पेज पे आओ, ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे आते हैं। कहते हैं जहां पे मायोसिन के पास एक्टिन बाइंडिंग साइट और एटीपी बाइंडिंग साइट है वो जाके बाइंड कर जाता है। देखो इधर क्लास लिसन, ये पार्ट था एक्टिन, ये पार्ट था मायोसिन। मायोसिन स्नेक लाइक स्ट्रक्चर, उसका हेड रीजन दिख रहा था, और ये एक्टिन पार्ट है, वो एफेक्टिन जो है वो अटैच हो जाता है एक्टिन बाइंडिंग साइट पे, दे रिक्वायर एटीपी, तो एटीपी पे अटैच होगा। इधर ध्यान देना, जैसे ही वो अटैच होते हैं वो उसको पीछे स्ट्रेच करता है, दिस इज व्हाट इज कंट्रैक्शन, और जैसे ही कंट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाती है वो रिलीज कर देता है, दिस इज कॉल्ड एज रिलैक्सेशन। तो दिस इज हाउ दे स्लाइड। नेक्स्ट पेज पे देखो डायग्राम बना हुआ है कि एटीपी और एक्टिन जो है बाइंड कर रहा है एक्टिन बाइंडिंग साइट पे, और उसने पीछे को स्लाइड किया है, उसको क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ है, स्लाइड होने के बाद फिर से वो रिलीज हो गया, इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, दिस इज व्हाट वी कॉल एज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मिल गया सभी को? तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अगर आप स्टार्ट करो तो पहले डायग्राम बना हुआ है जहां पे एटीपी लिखा है, तो एटीपी की वजह से वो एफेक्टिन ज्वाइन करता है, दे फॉर्म अ बॉन्ड, एटीपी यूज हो गया, वो पीछे क्रॉस ब्रिज बनाता है, उसको पीछे मूव करेगा, और जैसे ही वो पीछे की तरफ बैकवर्डली आता है वो रिलीज हो जाता है। तो आप ये देख रहे हो जैसे वो बॉक्सिंग ग्लव होता है ना, पीछे पीछे घूमता रहता है ऐसे जब आप मारते हो उसको, बिल्कुल वैसे ही स्लाइडिंग फिलामेंट। तो यहाँ तक क्या पता चल गया सभी को? Yes or no? इसमें एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? एटीपी। अगर आप लोगों को याद हो मैंने आपको बताया था कैल्शियम चार जगह चाहिए, कैल्शियम हमारे बोन्स में, हमारे टीथ में, मसल्स में और ब्लड में। तो मसल्स में अब यहाँ पे काम होगा जहां पे एटीपी बाइंडिंग साइट, ये रिक्वायर, दे रिक्वायर कैल्शियम आयन फॉर देयर बाइंडिंग। नेक्स्ट पेज पे आओ तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी को ऐसे भी एक्सप्लेन किया जाता है, अगर आप फर्स्ट डायग्राम देखो, अब आपको लर्न करना है, अगर आप देख रहे हो दो जी लाइन या जेड लाइन बनी हुई है, जिगजैग,
एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन तक जो है दैट इज योर कंप्लीट सार्कोमेयर मिला सभी को। तो आपके पास लास्ट डायग्राम में लिखा हुआ है देयर आर टू सार्कोमेयर्स मिला। तो आप डायग्राम येलो वाला जब समझ लोगे तभी आईज को ऊपर रखना। पहले आप देखो बुक के अंदर जेड लाइन से जेड लाइन चल रहा है, बीच में जो ये लाइंस आ रही है जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है वो मायोसिन है। एच जोन जो है वो खाली है, एक आता है आई बैंड एक आता है ए बैंड। ए बैंड इज एन आइसोट्रॉपिक, आई बैंड इज आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक बैंड। तो आई बैंड जो है वो आपको जेड लाइन में देख सकते हो और ए बैंड को देख सकते हो जहां पे वो स्नेक वाला पार्ट है और दूसरा पार्ट है। वी आर डूइंग फ्रॉम द डायग्राम फ्रॉम पेज नंबर 308। फिर उसके बाद कंट्रैक्शन हुई, कंट्रैक्शन में अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आई बैंड खत्म हो चुका है और एच जोन जो है वो ज्यादा डार्क हो चुका है। फिर लास्ट में आता है मैक्सिमली कंट्रैक्टेड। मैक्सिमली कंट्रैक्टेड में आपके पास ये कंट्रैक्ट होने की वजह से शॉर्ट हो गया है लेंथ किसका, मसल्स का। क्लियर एवरीवन? तो आई एम रिपीटिंग, मुझे किसने ज्वाइन किया था अभी शिवांश, मैं दोबारा बताती अच्छा इधर देखो, अगर हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले आप लोगों को टाइप्स ऑफ मूवमेंट अगर हम बात करें बताओ जरा कौन सी मूवमेंट थी। सबसे पहले मूवमेंट कौन सी थी? अमीबॉइड, अमीबा वो विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। फिर हमने पढ़ा सीलिएटेड, सीलिएटेड में हमने पढ़ा था एग्जांपल पैरामीशियम। पैरामीशियम के पास छोटे छोटे बाल होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसकी वजह से वो मूव करते हैं और इनकी मूवमेंट होती है जैसे साइमल्टेनियस मूवमेंट। कृतिका इधर देखो बेटे कि अगर इन्होंने आगे बढ़ना है तो दिल फेस बैकवर्ड टूवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन, दिल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है शिवांशी। तो ये मूवमेंट आती है सीलिएटेड। फिर उसके बाद अगर याद हो हमने पढ़ा था कौन सी टाइप ऑफ मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड। फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला जो है वो हेल्प करता है मूवमेंट में। एग्जाम्पल आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में एक बड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी मूवमेंट बोलते हैं वो विप्लैश। विप्लैश क्या होती है? जैसे चाबुक, जैसे बताया था आपको खुशप्रीत इधर देखो बेटे, विप्लैश मूवमेंट में क्या होता है जैसे चाबुक चलता है तो चाबुक हंटर उस तरफ चलेगा, ये मूवमेंट इस तरफ होगी ऑपोजिट डायरेक्शन। फिर सौम्य अभी मैंने आप लोगों को बताया हमारे में कैसी मूवमेंट होती है, मस्कुलर। तो ये टाइप्स मस्कुलर मूवमेंट है। तीन तरह के मसल्स हमारे पास आते हैं, एक जो हड्डियों से अटैच होते हैं दे आर कॉल्ड एज स्केलेटल मसल, एक जिनमें हड्डियां नहीं होती दे आर कॉल्ड एज स्मूथ मसल। फॉर एग्जाम्पल मसल्स इन योर स्टमक, मसल्स इन योर टंग, दे आर ऑल स्मूथ मसल्स, दे डू नॉट हैव बोन्स, बोन्स आर नॉट अटैच टू देम। एंड लास्टली इज कार्डियक मसल, कार्डियक मसल स्पेशल मसल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट। तो ये हमारे पास तीन तरह के मसल्स हैं, क्लियर एवरीवन? फिर उसके बाद जब हम मसल्स की बात कर रहे हैं तो मसल्स में अब समझना मस्कुलर मूवमेंट, जब तक नहीं समझ आएगा हाँ मत बोलना क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको बताया हमारे मसल्स बने हुए प्रोटीन के, तो इसकी जो फंक्शनल यूनिट है उसको क्या नाम दे दिया, सार्कोमियर। क्वेश्चन आता है नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ मस्कुलर सिस्टम, आंसर इज सार्कोमियर। सार्कोमियर एक फंक्शनल यूनिट है और सार्कोमियर बनी किस किस से हुई है, दो प्रोटीन से, एक नाम है एक्टिन एक नाम है मायोसिन। यहां तक समझ आया? मसल किसका बना है? सार्कोमियर। सार्कोमियर किससे बना है? एक्टिन एंड मायोसिन। जो एक्टिन है वो बीडेड चेन है, मैंने अभी बताया आपको बीडेड चेन एक माला है जिसको जिसमें जो बीड को क्या बोलते हैं एफ एक्टिन, इसके आगे एक बीच में थ्रेड कई बार लगा होता है उसको हम क्या बोलते हैं ट्रोपोमायोसिन, और बीच में इसमें कई बार ऐसे पार्ट्स हैं जिनको बोलते हैं ट्रोपोनिन। दिस डायग्राम इज गिवन ऑन पेज नंबर 306। क्वेश्चन आता है ड्रॉ द डायग्राम फॉर एक्टिन एंड मायोसिन, तो आपके पास 306 पे डायग्राम बने हुए हैं, दोनों आपने बनाने। फिर अगर बात आती है मायोसिन की, मायोसिन में अभी मैंने बताया जैसे स्नेक्स की क्रॉस आर्म्स हैं, दो स्नेक्स हैं ऐसे क्रॉस आर्म्स हैं, ये रीजन कौन सा आता है? हेड रीजन। हेड रीजन में दो साइट हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट है एक एटीपी बाइंडिंग साइट, एक एक्टिन के साथ बाइंड करेगा और दूसरा एटीपी के साथ बाइंड करेगा। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड एटीपी बाइंडिंग साइट, क्या ये मुश्किल था? नो, यहां तक क्लियर है सभी को? अब मुश्किल पार्ट जो है वो अक्षय आपके 308 पेज पे दिया, आपके पास किताब में बना हुए हैं दो सार्कोमियर। 308 पेज पे अगर आप देखो सार्कोमियर जो है
एक सार्कोमियर आता है एक जेड लाइन से दूसरी जेड लाइन पर, जी लाइन बोल दो जेड लाइन बोल दो, एक ही बात है। यहां तक समझ आए? यहां तक क्लियर है सभी को? Yes. अगर आप यहाँ पे लाइंस देखो तो हेड जो जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर था वो किसके अंदर था? मायोसिन। जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर वो किसके अंदर था? मायोसिन के अंदर। और जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था वो कौन सा था? एक्टिन। तो एक्टिन जो पार्ट है, लिसन एवरीवन, ये पार्ट आता है एक्टिन, और बीच में जो स्नेक लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये पार्ट जो है हेड जिसका पार्ट आ रहा है, ये क्या पार्ट आ गया? मायोसिन। अब किसको समझ आया? मैंने आपको बताया एक एक जी लाइन से दूसरी लाइन तक आपका एक सार्कोमियर है, और सार्कोमियर क्या बना रहा था? मसल्स। तो जब आपके पास एक मसल का एक फाइबर एक धागा निकाला गया तो उसमें आपने देखा बीच में पार्ट आया मायोसिन, आसपास क्या पार्ट आया? एक्टिन। तो आपस में ये जुड़ जाएंगे जब आपका मसल कंट्रैक्ट होगा। ये खाली रीजन को हमने क्या नाम दे दिया था? एच जोन। इस खाली रीजन को क्या देखो लिखा हुआ एनसीईआरटी, दिस एम्प्टी पार्ट इज कॉल्ड एज एच जोन। अब दूसरा जो है, दूसरा भी इसी के साथ अटैच होता है। लुक हियर एवरीवन, ये जिगजैग पार्ट है, यहाँ पे भी ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे मायोसिन या एक्टिन पार्ट आएगा। क्लियर एवरीवन? जो यहाँ पे जोन है उसको क्या लिखा हुआ है? जो जेड लाइन आ रहा है वो आपके पास आ रहा है आई बैंड। ये बैंड कौन सा है? आई बैंड। और ये वाला बैंड कौन सा था? ए बैंड। ए बैंड को क्या बोल दिया? एन आइसोट्रॉपिक। आई बैंड को क्या बोल दिया? आइसोट्रॉपिक बैंड। यहां तक समझ आया अमन? तो आपके पास ये सिंपल सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें आपको दो सार्कोमियर बना के दिखाए गए हैं, जेड लाइन टू जेड लाइन, फिर बीच में एक्टिन और मायोसिन बना हुआ है आयरन। अगर आप सेकंड डायग्राम देखो तो पहला था, पहला है रिलैक्स, ये जो मैंने बनाया है रिलैक्स स्टेट, दूसरे में एच जोन ही गायब हो गया, कंट्रैक्टेड स्टेट। फिर उसके बाद फुली कंट्रैक्टेड स्टेज में जो एच जोन है वो ज्यादा डार्कन हो गया, सॉरी आई बैंड खत्म हो चुका है। देखो तन्वी, आई बैंड खत्म हो गया और लास्ट में जो बना हुआ है दैट इज योर एच जोन, आपका थिकंड हो गया। तो ये तीन स्टेजेस आएंगे, समझ आया सभी को? तो ये आपके पास है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्वेश्चन आता है ड्रॉ डायग्राम फॉर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, तो आपके पास नीचे लिखा हुआ है, गिवन है, इसके नीचे दिख रहा है सभी को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। प्लीज ओपन योर नोटबुक्स और आप ऊपर हेडिंग लिखो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम कमिंग। तो आप लोग 307 एंड 308 ये दो डायग्राम्स हैं अभी ड्रॉ करोगे इन योर नोटबुक। हेडिंग लिखोगे वंश, हेडिंग क्या लिखोगे? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज ड्रॉ दिस क्विकली, पेज 308 एंड 300 वंशिका, 306 एंड 308 डायग्राम, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। बच्चों अगर बना लिए डायग्राम, बन गया बच्चे डायग्राम की शुरू भी नहीं किया? ओके ओके, इन्हें शुरू नहीं किया? बनाओ बनाओ बच्चे, कीरत नहीं भगवान, कीरत जल्दी से बनाओ। Would you please make the diagrams quickly? Try karo bache, rough mein try karo. Bolo bolo. Right? Isotropic. बच्चे अगर किसी को स्लाइडिंग फिलामेंट में थोड़ी गड़बड़ लग रही है, ज्यादा नहीं बनाया जा रहा, जो ये बोर्ड पे बनाया इतना बना सकते हो? ये सिंपल एक सार्कोमियर के दो सार्कोमियर्स बना सकते हो अक्षता? ये बनाओ बेटे, ये तुम बन गए बेटे। इनायत गड़बड़ है आज। अच्छा एब्सेंट कौन कौन है? रिद्धि नहीं है, सिमोन, वंशिका, यशवी, रवनीत, निधि। Thank you.
बोलो बेटे यहाँ ये जी लाइन से जी लाइन तक सार्कोमियर है. अभी ये दो बनाया मैंने. बच्चे अगर यहाँ तक ये बना लिया है सार्कोमियर तो इसके बारे में लिखो. ये बनाया है सार्कोमियर. अक्षय बनाया बेटे डायग्राम कोशिश किए. देखो हेडिंग स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. When a muscle is given stimulus, अच्छा आप लिख रहे हो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी के बारे में. When a muscle is given a stimulus, बिना स्टिमुलस के हमारे मसल्स अपने आप कंट्रैक्ट नहीं होते. When a muscle is given a stimulus, When muscle is given a stimulus, the thin eye band glides over. Thin eye band thin होते हैं, A band thick होते हैं. Thin eye band glides over. Glides, glides, glides over thick A band. Glides over thick A band. But neither of them changes its length. Glides over thick A band, but neither of them changes its length. Neither of them changes its length. Length same rahegi. Muscle ka length chota nahi hota. This occurs due to formation of cross bridge. This occurs due to formation of cross bridge on thick filaments. This occurs due to formation of cross bridge on thick filament. हेडिंग लिखो डिफरेंस बिटवीन ए बैंड एंड आई बैंड. अच्छा कौन सा बैंड थिक है? ए बैंड थिक है और आई बैंड थिन. ए बैंड एंड आई बैंड डिफरेंस बिटवीन ए बैंड एंड आई बैंड. ए बैंड लिखो इट फॉर्म्स डार्क बैंड ऑफ. ए बैंड के बारे में लिखो इट फॉर्म्स डार्क बैंड ऑफ मायोफाइब्रिल. इट फॉर्म्स डार्क बैंड ऑफ A band के बारे में. It forms dark band of myofibril. Dark band of myofibril. I band में लिख लो. Light band of myofibril. Myofibril. Fiber मतलब होता है धागा, thread. पहला आ रहा है thick band of myofibril. दूसरा है thin, light band. Next लिखो. A band में लिखो इट कंटेन्स मायोसिन फिलामेंट. A band में लिखो बेटे सिमरन मान्या इट कंटेन्स मायोसिन फिलामेंट. मायोसिन MYOSIN मायोसिन फिलामेंट एंड सम पार्ट्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट. इट कंटेन्स मायोसिन फिलामेंट एंड सम पार्ट्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट. कुशल I band में लिखो इट कंटेन्स ओनली एक्टिन फिलामेंट्स. A band में लिखा है इट कंटेन्स मायोसिन फिलामेंट एंड सम पार्ट ऑफ मायोसिन सम पार्ट ऑफ एक्टिन. और I band में इट कंटेन्स ओनली एक्टिन फिलामेंट. नेक्स्ट हेडिंग लिखो डिफरेंस बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन.
difference between actin and myosin? अच्छा इधर ध्यान देना क्लास लिसन, अगर आपने ये डायग्राम को समझा रोहित कुमार, तो आप ये देख रहे हो ये एक्टिन है, ये लाइंस क्या थी एक्टिन, और ये बीच में जो ये हेडलाइट स्ट्रक्चर थे क्या थे मायोसिन। अगर मैं आपको बोलूं कि जो एक्टिन है, हमने अब डिफरेंस किस किस के बीच में कर रहा है एक्टिन और मायोसिन, रुकिए अगर आप ध्यान दो बेटे कि एक्टिन जो है वो आई बैंड के अंदर भी है और ए बैंड के अंदर भी है, ये सुनो किसको ये बात समझ आए कि एक्टिन जो है, ये एक्टिन जो लाइंस हैं ये दोनों में आ रही है, आई बैंड में भी आ रही है एक्टिन और इसमें ए बैंड में भी आ रही है एक्टिन, लेकिन मायोसिन किस में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ ए बैंड, ये किसको समझ आए? दोबारा सुनो परमवीर सिंह, ए बैंड में सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट हमने इंक्लूड किया है मायोसिन, और ए बैंड और आई बैंड में दोनों में कौन सा पार्ट आ रहा है एक्टिन, एक्टिन दोनों में आएगा ए बैंड आई बैंड में, और मायोसिन सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा ए बैंड में, तो लिखो एक्टिन के अंदर लिखो दीस फॉर्म बोथ ए एंड आई बैंड्स, ठीक है शिवांशी, दीस फॉर्म जानवी लिखो बेटे एक्टिन के अंदर लिखो दीस फॉर्म बोथ ए एंड आई बैंड, लिखो बेटे एक्टिन के अंदर दीस फॉर्म बोथ ए एंड आई बैंड, मायोसिन में लिखो दीस फॉर्म ओनली ए बैंड्स, पहले वाले में दीस फॉर्म बोथ ए एंड आई बैंड और नेक्स्ट वाले में दीस फॉर्म ओनली ए बैंड, एक्टिन में लिखो दीज आर थिनर इन डायमीटर, दीज आर थिनर इन डायमीटर, और मायोसिन में लिख रहे हो दीज आर थिकर इन डायमीटर, एक्टिन में लिख रहे हो क्रॉस ब्रिजेस आर एब्सेंट, मायोसिन में लिख रहे हो क्रॉस ब्रिजेस आर प्रेजेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो डिस्क्राइब ब्रीफली स्ट्रक्चर ऑफ, समझ आ रहा है जो जो लिख रहे हो, डिस्क्राइब ब्रीफली स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, अनुष्का दो तरह के प्रोटीन्स हैं, कौन से हमारे मसल्स में, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, हमारे पास दो तरह के कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है अर्श, कौन से एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है ये दोनों प्रोटीन से, तो इनका स्ट्रक्चर पूछा हुआ है विच इज गिवन इन ऑन पेज नंबर 306 पे बना हुआ है, पहला हेडिंग लिखो एक्टिन प्रोटीन, ऋषा पहले के बारे में लिखो एक्टिन, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ, ईच एक्टिन फिलामेंट, कनक समझ आ रहा है बेटे, each actin filament is made up of 2F actins, each actin filament 306 pe diagram bana hua tha Soumya, each actin filament is made up of 2F actin helically wound to each other HELICALLY, each actin filament is made up of 2F actin helically wound to each other, wound helically wound to each other, wound, wound, helically wound, एक दूसरे के ऊपर wound हुआ, spelling wound वाले ही है, wound बोलते हैं, WOUND, wound to each other, to each other, two filaments of tropomyosin, tropomyosin also run close, two filaments of tropomyosin also run close throughout its length, two filaments of tropomyosin also run close throughout its length,
नेक्स्ट हेडिंग लिखो मायोसिन प्रोटीन. It is a thick filament. It is a thick filament. And contains globular head. And contains a globular head. And a short tail. Short tail. The head contains active site for ATP. The head contain active site for ATP and actin binding site. ATP and actin binding site. Please draw the diagrams. Actin binding site. क्या आपने बना लिए थे diagrams? No, ये वाला बनाना है बेटे. ये cross arm वाला बनाना है, ये वाला myosin और इसमें actin. बड़ा simple सा diagram है. Please draw it quickly. ठीक है अंशुल बनाओ बेटे. किरत फैन ऑफ ही कर दो बेटे, कई बच्चों को ठंड लग रही है. बच्चे अगर ये बना लिए डायग्राम्स दोनों. Next question लिखो, what is the role of? फाइल बना ली आपने. सिमरनजीत दान. What is the role of calcium ions? What is the role of calcium ions and ATP in muscle contraction? What is the role of calcium ions? Calcium ions कौन से होंगे? Ca2 positive. What is the role of calcium ions and ATP in muscle contraction? And ATP in muscle contraction. The presence of calcium, answer likho, the presence of calcium ions activates, the presence of calcium ions activate ATPase enzyme, ATP likhe ASC, ATP likhe ASC, ATPase enzyme. ATP लिखा ASC. ASC का मतलब क्या है? एंजाइम एक्टिवेट्स एटीपी. एटीपी एंजाइम विच हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी. द एनर्जी रिलीज्ड, द एनर्जी रिलीज इज यूज्ड अप ड्यूरिंग मसल कंट्रैक्शन. Yes.
The energy release is used. During muscle contraction. Please write down this equation. Calcium ions chahiye aur magnesium ions chahiye. Ye ATP ko activate karte hain kyunki enzyme activate kar dete hain ATPase. Theek hai, pata chal gaya? Ye calcium ion kisko activate kar rahe hain? ATPase, which breaks down ATP and releases energy. This energy is used for muscle contraction. Calcium ion and magnesium ion. Theek hai, Harshal? Next, we go difference between Anushka Dan Mitter Abhya. ATP plus inorganic phosphate. Try se kya ban gaye diphosphate. To ek phosphate nikla inorganic phosphate. IP bolte hain isko. नेक्स्ट क्लास से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियो को अफोर्ड ना करना घर पे बैठना क्योंकि प्लांट फिजियो में जो साइकिल्स हैं हम क्लास में लर्न करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वे से ठीक है हाँ अगले क्लास से पेपर्स हैं नेक्स्ट एक और डिफरेंस बिटवीन स्केलेटल मसल स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल तीन कॉलम्स बनाओगे डिफरेंस बिटवीन skeletal muscle, cardiac muscle and smooth muscle. पहले skeletal, फिर smooth, फिर cardiac. Skeletal muscle, smooth muscle and cardiac muscle. मुझे skeletal muscle में पहले लिखा आपने पहले कॉलम में स्केलेटल स्केलेटल का दूसरा नाम लिख लो स्ट्रिप्ड मसल या फिर स्टीरिएटेड मसल STRIATED स्केलेटल मसल को स्टीरिएटेड मसल भी बोला जाता है इसमें स्टाइरेशंस होती हैं STRIATED और स्मूथ मसल का क्या होता है अनस्ट्रिप्ड या अनस्टीरिएटेड और कार्डिक मसल का कोई और नाम नहीं पहले का नाम है स्टीरिएटेड दूसरे का अनस्टीरिएटेड स्केलेटल मसल के नीचे लिखो वोलेंट्री VOLUNTERY बिना सोचे समझे हाथ पांव नहीं चलते तो वॉलेंट्री है वॉलेंट्री मतलब जो हम सोच के करते हैं हाँ स्मूथ मसल पेट अपने आप डाइजेशन शुरू कर देता है इनवॉलेंट्री स्केलेटल के अंडर लिखो वॉलेंट्री मसल VOLUNTERY अनस्टीरिएटेड में क्या हो जाएगा इनवॉलेंट्री इनवॉलेंट्री का मतलब गौरव क्या हुआ बिना सोचे समझे ठीक है जब डाइजेशन अपने आप कार्डियक कैसे होंगे हार्ट अपने आप चलता है कि सोच के चलाते हो इनवॉलेंट्री तो पहले वाला वॉलेंट्री है बाकी दोनों इनवॉलेंट्री सेकेंड पॉइंट लिखो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेकेंड पॉइंट लिखो दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड स्केलेटल में They are multi-nucleated and have alternate light and dark bands. Skeletal में लिखा पहला आपने लिखा है voluntary. Skeletal में तीन तरह के muscles हैं कौन से हैं skeletal, smooth and cardiac. Skeletal में आपने पहला point क्या लिखा है voluntary. दूसरा आपने क्या लिखा है multi-nucleated and have dark, alternatively dark and light bands. नॉन सीरिएटेड में लिखो यूनिन्यूक्लिएटेड यूनि का मतलब क्या हुआ वन यूनिन्यूक्लिएटेड विदाउट लाइट एंड डार्क बैंड्स यूनिन्यूक्लिएटेड ये स्मूथ में यूनिन्यूक्लिएटेड एंड विदाउट लाइट एंड डार्क बैंड्स डार्क लाइट एंड डार्क एंड लाइट बैंड्स कार्डियक में लिखो यूनिन्यूक्लिएट कार्डियक में लिखो यूनिन्यूक्लिएट एंड हैव फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स यूनिन्यूक्लिएट एंड हैव फेंट लाइट एंड डार्क बैंड्स फेंट
बच्चे स्केलेटल मसल किसके साथ अटैच्ड होंगे? बोन्स. तो स्केलेटल मसल में लिखो दे आर फाउंड अटैच्ड विद बोन्स. स्केलेटल में लिखो दे आर फाउंड अटैच्ड विद बोन्स. स्मूथ मसल्स कहाँ होंगे? दे आर प्रेजेंट इन वाइटल ऑर्गन्स. Vital नहीं, visceral. V-I-S-C-E-R-A-L. Vital मत लिखना, visceral. V-I-S-C-E-R-A-L. Viscera बोलते हैं stomach को. V-I-S-C-E-R-A-L. Visceral organ. और cardiac कहाँ मिलेंगे आपको? They are present in heart muscle. Last question लिखो. Explain different types of movement. स्केलेटल मसल क्या? टाइप्स ऑफ मूवमेंट में लिखो. पहला लिखो अमीबॉइड मूवमेंट. टाइप्स ऑफ मूवमेंट में पहली कौन सी मूवमेंट थी? अमीबॉइड. बोर्ड पे लिखा हुआ है. मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. अमीबॉइड मूवमेंट में डैश डाल के लिख लो. मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया. PACUDOPODIA. सूडोपोडिया. PACUDOPODIA. सूडोपोडिया. नेक्स्ट लिखो सीलियरी मूवमेंट. सीलियरी मूवमेंट में लिखो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ सीलिया. CILI. Movement with the help of cilia. CILI. Next we go flagellar movement. Flagellar. FLAGELLAR. Flagellar movement. Movement with the help of flagella. लास्ट लिखो मस्कुलर मूवमेंट. अगर किसी को पता हो स्पर्म के पास भी फ्लैजिला होता है. किस किस को पता था? कभी वो मूव करते हैं. फ्लैजिलर मूवमेंट इज आल्सो शोन बाय स्पर्म. मस्कुलर मूवमेंट में लिखो. मस्कुलर मूवमेंट में लिखो मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल फाइबर्स. मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल फाइबर्स. बोलो बेटे. न्यूरॉन्स नर्व्स सब में स्टिमुलाई सभी में होगा. बच्चे अब आपने कभी ये सुना हो रेड मीट. रेड मीट किसने सुना है? बकरे का मीट जो होता है वो रेड मीट है. और जो नॉर्मली आप हेन या चिकन का खाते हो दैट इज व्हाइट मीट. किसको पता था? इनफैक्ट ये जो बीफ है, जो गाय का बीफ या गाय का अगर आप मीट खाते हो दैट इज ऑल्सो रेड मीट. एंड दे आर डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, पता ही है. और जो व्हाइट मीट होता है वो अब व्हाइट ये एक्चुअली में देयर इज डिफरेंस कि हमारे पास मसल फाइबर दो तरह के, एक रेड मसल है एक व्हाइट मसल. जो आपके रेड मसल है आप इमेजिन कर सकते हो कि जहां पे ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा हो तो वो रेड मसल फाइबर है. अगर आपके नॉर्मली हम बात करें बैक बोन के मसल, वो रेड होंगे कि व्हाइट होंगे? हाउ मेनी ऑफ यू से रेड, हाउ मेनी ऑफ यू से व्हाइट? वैसे अगर आपको बताओ बैक जो है जो आपकी सबसे सपोर्टिव है तो ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा वहां चाहिए. ठीक है, ऐसा नहीं है व्हाइट मसल मतलब वहां पे ब्लड सप्लाई कम है. और अगर वो ब्लड सप्लाई कम होगी तो ये वीक हो जाएगा.
इनफैक्ट अगर आपको बताओ जो आपकी आई बॉल है, आईज जो है, अगर आईज के पास आसपास अगर आप बात करो, जितने मसल्स हैं आई, आप समझ रहे हो आई का स्ट्रक्चर, उसके आसपास जितने भी मसल्स हैं, देयर वाइट मसल फाइबर, क्योंकि अगर आपको बताओ जो वाइट पार्ट ऑफ आई, कॉर्निया, सबसे पहला रीजन जो है वो रिसीव करता है लाइट. अब एक चैप्टर में था, इम्पोर्टेंट पार्ट था ये, कि विच पार्ट ऑफ आई रिसीव द लाइट, फर्स्ट रिसीव द लाइट, इट इज कॉर्निया. कॉर्निया वाइट इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं, और इससे हम बचते हैं क्योंकि अगर कोई एकदम फ्लैश डालेगा आपकी लाइट आपकी आईज में, और एकदम अगर आपने आईज, जैसे आप बड़े अंधेरे में सोए हो और एकदम आपके किसी ने आईज में फ्लैश लाइट से आपको टॉर्चर किए हैं, तो आईज में अगर कॉर्निया में ब्लड सप्लाई होती तो ब्लड एकदम फाउंटेन की तरह बाहर आता, क्योंकि इंजरी हो जाती, समझ रहे हो. तो इसलिए ऐसा कभी नहीं होता. इनफैक्ट अगर आई में डीप चोट लगी है, कोई आपको पंच कर रहा है या कहीं डीप इंजरी हुई है, तब आपके ब्लड वेसल फटती है और वो बाहर दिखता है ब्लड. अदरवाइज जो व्हाइट मसल फाइबर है वो प्रोटेक्ट करते हैं आई को फ्रॉम दिस ब्राइट लाइट या फिर आपका फ्रॉम एनी इंजरी. तो व्हाइट मसल फाइबर जो है, आईज जो है व्हाइट मसल के साथ है, दे आर नॉट दैट मच रिच इन ब्लड सप्लाई. बात समझ आई. और वैसे ही बात आती है, अगर आप बात अपने बॉडी के और मसल्स की बात करो, जैसे आपके बाइसेप्स या ट्राइसेप्स या थाई मसल्स हैं या बटक मसल्स हैं, दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड क्योंकि एक्टिव रीजन है. टांगों को बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए जब आप मूवमेंट कर रहे हो, हाथों को बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए, ब्रेन को बहुत ज्यादा ब्लड चाहिए, तो बहुत सारी जगह हैं. इनफैक्ट इन केस ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स बिल्कुल छोटा सा साइज होता है, लेकिन बर्ड्स जो फ्लाई करती हैं बहुत दूर तक, तो दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स, एंड फ्लाइट मसल्स दे आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेज चाहिए, एंड दे आर मेड अप ऑफ रेड मसल्स. व्हाइट मसल जैसे हमारे बॉडी में काफी जगह पे है व्हाइट मसल फाइबर्स. अब आई थिंक सभी को क्लियर हो गया डिफरेंस बिटवीन किसको ज्यादा एनर्जी चाहिए, रेड को कि व्हाइट को. रेड को. तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें ज्यादा होंगे, रेड मसल, क्योंकि रेड मसल मतलब आपको दौड़ने के लिए चाहिए, आपको लिखने के लिए चाहिए. और व्हाइट मसल जो है आईज में, क्योंकि आईज ज्यादा मूव नहीं करती. आप लोग अगर देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो आपकी आईज का वहीं पे वर्क हो रहा है आप, लेकिन आपके हाथों का बहुत वर्क हो रहा है. तो एक आ रहा है रेड मसल फाइबर, एक आ रहा है आपका व्हाइट मसल फाइबर. तो लिखो डिफरेंस बिटवीन रेड मसल एंड व्हाइट मसल फाइबर. रेड मसल में लिखो, दे आर डार्क इन कलर. रेड मसल फाइबर में लिखो, दे आर डार्क इन कलर. व्हाइट मसल फाइबर में लिखो, लाइट रेडिश, लाइट रेडिश. लाइट लाइट रेडिश, LIGHT, लाइट रेडिश. नेक्स्ट लिखो आर मायोग्लोबिन प्रेजेंट. जैसे हम सब में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन मसल्स में स्पेशल हीमोग्लोबिन, उसका नाम क्या दे दिया, मायो. तो मायोग्लोबिन प्रेजेंट, MYO, मायो, GLOBIN, मायोग्लोबिन प्रेजेंट. और उसमें लिख लो व्हाइट मसल फाइबर में एब्सेंट, नेक्स्ट रेड मसल फाइबर में लिखो रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया, रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया. व्हाइट मसल फाइबर में लिखो पुअर इन माइटोकॉन्ड्रिया, दे लैक माइटोकॉन्ड्रिया, पुअर इन माइट. नेक्स्ट पॉइंट, दे शो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. और दूसरे में क्या हो जाएगा, एनरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है रोहित, पहले में आ रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन, और दूसरे में क्या आ जाएगा, एनरोबिक रेस्पिरेशन. एग्जाम्पल लिखो रेड मसल में, एक्सटेंसर मसल ऑन बैक, EXTENSOR, एक्सटेंसर मसल ऑन बैक. जितने भी पीछे आपके बॉडी में मसल्स हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सटेंसर मसल.
E-X-T-E-N-S-O-R. And flight muscles of kites. Red muscle mein hi jayega bete. Flight muscles of kites. Kite, kite bird. Pata na kites? Baj jisko bolte hain, baj. Flight muscles of kites. White muscle fiber mein likho. Muscles for eyeball. K-I-T. Kites, kites. White muscle fiber mein likho. The muscles of eyeball. The muscles of eyeball. And flight muscles of sparrow. Muscles of eyeball and flight muscles of sparrow. Write down questions. Do it on your own. अभी करवा दो. लिखो क्वेश्चंस. नेम टेकन. हाँ नीचे लिखो. नेम थिकन थिन फिलामेंट. थिक एंड थिन प्रोटीन ऑफ मसल फाइबर. नेम थिक एंड थिन. अब याद रखना थिक एंड थिन बोला है तो पहले थिक वाला बताओगे फिर थिन. थिक एंड थिन फिलामेंट ऑफ मसल फाइबर. नेम थिक एंड थिन फिलामेंट. नेक्स्ट लिखो. व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मसल फाइबर. What property of muscle fiber enables them to cause a movement? What property of muscle fiber enables them to cause movement? Which type of movement? Next question, likho Raman. Which type of movement is observed by ova? Which type of movement is observed by ova? Samajh rahe ho? Yes. Very good. Ek bachche ne answer de diya. Which type of movement is observed by ova in fallopian tube? Yes. Which type of movement is observed by ova in fallopian tube? Fallopian tube mein kya lage honge small hair like structure. See later. Very good. Why a white muscle, देखो कोमल, why a white muscle fiber gets tired? Why a white muscle fiber gets tired after a short period? बता सकते हो कोमल? White fiber. Very good. Myoglobin and mitochondria. Very good. It lacks mitochondria and myoglobin. Very good. Why a white muscle fiber gets tired after a short period? Give the function of myoglobin. क्या करेगा hemoglobin का क्या function था? No. To carry oxygen. It binds and stores oxygen. What is the function of myoglobin? Next question लिखो. Name the tissue that connect muscle to bone. कौन सा? नेम द टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल टू बोन. नो टेंडन. बच्चे इसको याद करने का तरीका देखो. लिगामेंट नाम बड़ा है
तो वो लंबी लंबी बोन्स को कनेक्ट करेगा. तो बोन्स को अगर कनेक्ट करना है तो क्या आएगा, टिश्यू कौन सा है, लिगामेंट. और अगर बोन्स के साथ मसल को अटैच करना है तो कौन सा टिश्यू है, टेंडन. याद रहेगा अभी, लिगामेंट जो नाम लंबा है तो वो लंबी लंबी बोन्स को कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट. और अगर बोन्स के साथ मसल को अटैच करना है तो क्या हो जाएगा, टेंडन. Name the type of filament. दोबारा बोलूं question. अंशुमन question क्या था शुरू से, नहीं question बोलो. Name a tissue which connects bone muscle. वो तो हो गया. Name the type of filament. Name the type of filament which constitute A and I band. Name the type of filament which constitute A and I band of skeletal muscle. Next, what is the characteristic of, what is the characteristic of gout disorder? Diya hua NCERT mein. What is the characteristic of गाउट, GOUT, गाउट. बताया था जोड़ों में या एड़ियों में दर्द हो तो क्या एक्यूमुलेट हुआ होता है, यूरिक एसिड. किसको याद है, मैंने बताया था पेरेंट्स को कहीं कोई प्रॉब्लम होती. Name the pigment present in red muscle. Name the pigment present in red muscle. Myoglobin. Name the pigment present in red muscle. What causes shortening of I band? What causes shortening of, what causes shortening of sarcomere? What causes shortening of sarcomere? Which type of movable joint, which type of movable joint makes hip joint? Yes, ball and socket. Which type of movable joint makes hip joint? बच्चे कितने हमारे questions? Where do you find gliding joint? Wrist में. और कहाँ पे होगा अगर wrist में, तो same वैसे नीचे कहाँ पे? Ankle. Where do you find gliding joint? From where energy for contraction of muscle is obtained? From where energy for contraction of muscle is obtained? Contraction of muscle is obtained. Batao. ATP. Breakdown of ATP. Shabash. Start with the answers quickly. All done? Yes. Very good. I'm from where energy for contraction. Contraction of muscle is up. I'm giving you 2 to 3 minutes. Quickly do your answers.
All done? Which one? Excitability and contractibility. Kumal done my day? Sorry, questions? In IF? How many of you are done? And my two companies. बच्चे नेक्स्ट क्लास में आप लोग फ्रॉग का पढ़ के आओगे. फ्रॉग के क्वेश्चंस विल डू इट इन द क्लास. ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में. कोई बात नहीं, छोटा सा टॉपिक है ये, पढ़ लें पढ़ लें. तो एक चैप्टर का ही है, दो चैप्टर दो ही. वो तो अच्छे से सर ने करवा दी. मैं केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक्स है ना, बॉन्डिंग. बच्चों डन? ओके, लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन. नोटबुक दे दो. नोटबुक बच्चे पहला क्वेश्चन है, नेम थिकेंस इन प्रोटीन ऑफ मसल फाइबर. बेटे थिक और थिक बैंड, थिकेंस इन मायोसिन एंड एक्टिन. मायोसिन एंड एक्टिन, ओके. व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ मसल फाइबर इन एमएम? एक्साइटेशन, एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी. Excitability and contractibility. Which type of movement is observed by Uba and Philippines? See you. Why a white muscle get tired after some time? Absence of mitochondria and myoglobin. Give the function of myoglobin. It traps oxygen and utilize it for aerobic respiration. Next है, name the tissue that connects muscle to bone, tendon. अगर bone to bone होता तो क्या आंसर था? Ligament. Name the type of filament which constitute A band and no, both actin and myosin. A and I band दोनों आएंगे, actin and myosin. What is the characteristic of gout disorder? Accumulation of uric acid. क्या पायल? Name the filament present in myoglobin. Myoglobin. Myo. What causes shortening of sarcomere? Answer likho, shortening of I band. Kya cheez gayab ho jati hai bache? I band. Okay, idhar dekho Anushka, shortening of I band. Which type of movable joint? Ball and saw. Where do you find gliding joint? Okay, sole mein likho ya phir wo wrist mein. From where energy for contraction is obtained? ATP. By breakdown of ATP. Bache next class mein aap frog ka padh ke aaoge. And let's start with the revision. Aur agar hum plant physio shuru kar rahe hain to aap log please, it is mandatory for everyone to come offline. वही शुरू होगा नेक्स्ट क्लास. सिलेबस हमारा बड़ी जल्दी हो जाएगा. प्लीज डू नॉट मिस योर क्लासेस. ह्यूमन सबसे लेंदी है. चलो आई स्टार्ट विद द फोर. सबसे लेंदी है, करवा देते हैं. वो शुरू करो. ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बच्चे यू कैन आल्सो लीव. बाय एवरीवन.